अब जो जीता वो सिकंदर जैसे झूठ का दौर खत्म हो गया है और जो जीता वो बाजीराव शुरू हो गया है। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी अब जो जीता वो बाजीराव कहना शुरू कर दिया है। सम्राट बाजीराव पेशवा प्रथम, जिन्हें अपराजित सम्राट कहा जाता है, इनको लेकर मध्य प्रदेश ने युवा वर्ग को सिकंदर की जगह बाजीराव पेशवा को आगे करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बाजीराव पेशवा की पुण्यतिथि पर रावेर खेड़ी खरगोन में उनकी समाधि स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में इस बात के संकेत देखने को मिले। मंच पर मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एवं खरगोन जिले के प्रभारी कमल पटेल और प्रदेश के पहले युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे ने मंच से अपने भाषणों में बाजीराव पेशवा को लेकर अपने बयानों में इस मामले को गहरा दिया। मुख्य वक्ता डॉक्टर निशांत खरे ने तर्कों के साथ बाजीराव पेशवा प्रथम के बारे में बात रखी और कहा कि जीता वो सिकंदर नहीं बल्कि जो जीता वो बाजीराव पेशवा होना चाहिए। इसके बाद मंच से कृषि मंत्री कमल पटेल ने डॉक्टर निशांत खरे की बात का समर्थन करते हुए कहा कि बाजीराव पेशवा एक अजेय योद्धा थे, इसलिए अब सिकंदर नहीं बाजीराव पेशवा की जरूरत है। बाजीराव पेशवा जी से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उनका शौर्य, उनकी रणनीति, जैसे कहते हैं ना चाणक्य की रणनीति, और अजय योद्धा, सही कहा डॉक्टर निशांत खरे जी ने कि जीता वो सिकंदर नहीं, जीता वो बाजीराव, क्योंकि जितने भी युद्ध लड़े और किन कठिन परिस्थिति में लड़े उसके बावजूद सभी युद्ध जीते, कभी एक भी युद्ध नहीं हारा, ऐसे अजय योद्धा बाजीराव पेशवा जी के चरणों में पुनः प्रणाम करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हुए संकल्प लेते हैं कि हम सब भी भारत को हमेशा जिताएंगे, भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, भारत की संस्कृति की रक्षा भी करेंगे, उसको बढ़ाएंगे और पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति के साथ जीने का संदेश देंगे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के प्रथम सिंगरौली आगमन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक राजेंद्र सिंह परमार, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सिंगरौली। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।